हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूँ आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिल्क कॉटन साड़ी में एक ऐसी स्टाइलिश साड़ी ड्रेपिंग बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देती है एंड आप देख भी सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साड़ी के फर्स्ट पोर्शन को हम राइट हैंड साइड से टक करके लेफ्ट हैंड साइड तक लेके जाएंगे और फिर उसके बाद मिड से पेटीकोट में अच्छे से टक करेंगे। आप यहाँ चाहें तो नॉर्मल पेटीकोट भी पहन सकते हैं, शिवियर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ऐसा स्टाइल है जिसमें आपकी साड़ी अपने आप ही टाइट फिटिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक सर्कल लेने के बाद साड़ी को प्रॉपर पेटीकोट में टक किया और अब आते हैं पल्ले वाले पार्ट पर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो आपको इसे ध्यान से देखना है कि यहाँ पर मैंने जो प्लीट्स हैं उनको जिगजैग करते हुए नॉर्मल प्लीट्स बना लिए हैं और प्लीट्स बनाने के बाद मैं बैक साइड से अपने फ्रंट साइड पे पल्ले को लेके आई हूँ और फिर दोबारा से बैक साइड से लेके आकर और फिर अपने जो शोल्डर है उस पर रख दिया है। यहाँ पर मैंने जो पल्ले की लेंथ है वो थोड़ा नी से नीचे रखा हुआ है, यानी घुटने से थोड़ा नीचे रखा हुआ है और फिर उसके बाद साड़ी के पोर्शन को बस्ट एरिया को कवर करते हुए कमर के पास लेके आऊँगी और फिर पेटीकोट में टक कर दूँगी। अब आते हैं पल्ले वाले पार्ट को छोड़कर हम कमर की प्लीट्स पर। तो कमर की प्लीट्स हमें नॉर्मल ही बनानी है जैसे हम हमेशा बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लीट के लेंथ को देखते हुए अच्छे से सेट करते हुए और फिर बाकी की सारी प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम पल्ले का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसीलिए फिर हम जो प्लीट्स हैं हमें कमर की वो बहुत ही कम मिलेंगी। नॉर्मली हमें बहुत ज़्यादा प्लीट्स मिलती हैं आप जो नॉर्मल साड़ी पहनते हैं तो, बट यहाँ पर हमें प्लीट्स की जो नंबर है वो कम मिलेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। साड़ी आपको ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसकी लेंथ ज़्यादा हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्लीट्स हैं वो बहुत अच्छे से बना ली हैं और अब इन्हें मैं हाथों से प्रेस करना शुरू करूँगी क्योंकि ये साड़ी एक कॉटन की है, सिल्क साड़ी है, तो यहाँ पर ये जो प्लीट्स होती हैं वो फूल जाती हैं तो उन्हें हाथों से प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आप नीचे से भी देख सकते हैं कि जो प्लीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फूली हुई दिखाई दे रही हैं। अरेंज करके हम पेटीकोट में प्लीट्स को टक कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्विस्ट करके पेटीकोट में टक कर देंगे। अब इसके बाद जो कमर की प्लीट्स हैं उन्हें अरेंज करना शुरू करेंगे और आप देख सकते हैं जो ये पल्ला है इन्हें पहले अच्छे से सेट करना ज़रूरी है। तो कमर के पास जो फैब्रिक है उसे लेके आएंगे, पहले से अच्छे से अरेंज कर लेंगे। देन उसके बाद क्योंकि यहाँ पर हमें जो बॉर्डर वाला पोर्शन है वो प्रॉपर इक्वल चाहिए, अच्छे से दिखाना है, तो बस्ट एरिया के पास इस तरीके से साड़ी के पल्ले को लेके आएंगे और फिर बस्ट एरिया को कवर करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो साड़ी का फैब्रिक है उसे थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर कर लें ताकि वो ढीला ना हो जाए और फिर ब्लाउज़ के साथ पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब नीचे की तरफ आते हैं तो वन बाय वन सारी प्लीट्स को अरेंज करना शुरू करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। वन बाय वन सारी प्लीट्स हमने इस तरीके से इकट्ठी करनी है और फिर उन्हें हाथों से प्रेस करना है। तो जब भी आप प्लीट्स लेना शुरू करेंगे तो उन्हें हाथों से ज़रूर प्रेस कर लें और फिर उसके बाद नीचे की तरफ जो बॉर्डर वाला एरिया है उन्हें इस तरीके से सेट करें, हाथों से प्रेस ज़रूर करें। आप चाहें तो प्लीट्स को प्रॉपर सेट करने के लिए ऐसे ट्विस्ट करके हाथों से प्रेस कर सकते हैं, इससे प्लीट्स बहुत अच्छे से अरेंज हो जाती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टिप है, आप किसी भी तरीके की कॉटन साड़ी पहन रहे हैं तो ये वाला टिप ज़रूर अप्लाई करें। अब पल्ले वाले पोर्शन को इस तरीके से बैक साइड से लेते हुए आएंगे और फिर हम शोल्डर पे साड़ी के पल्ले को रख देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि पल्ले को थोड़ा अच्छे से स्ट्रेच कर लें ताकि बस्ट एरिया के पास का जो फैब्रिक है वो नीचे की तरफ ना गिरे। तो मैंने इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए अपनी शोल्डर पे रख लिया है और फिर मतलब राइट हैंड साइड के पास वाले पल्ले को बस्ट एरिया के पास पिन से सिक्योर कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं सिक्योर करने के बाद अब हम पल्ले वाले पोर्शन पे आएंगे। तो पहले इस तरीके से हम पल्ले को नीचे की तरफ लेके आएंगे और फिर प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। छोटी छोटी अगर आप प्लीट्स शुरू में ही बना लेते हैं तो बाद में वो जाके ऑलरेडी चौड़ी हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्लीट्स हैं वो थोड़ी पतली ही होनी चाहिए, ज़्यादा चौड़ी आपको प्लीट्स नहीं बनानी है। जब ये प्लीट्स अरेंज हो जाएंगी तो उन्हें शेक करना ज़रूर, ताकि शेक करने से जो भी प्लीट्स अनइवन हो रही हैं वो अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है, और उन्हें अरेंज करना ईजी हो जाए। तो लीजिए प्लीट्स अरेंज हो चुकी हैं और अब मैं इन्हें अपने शोल्डर पे रख रही हूँ। जिस साइड हम नॉर्मल जब हम पल्ले वाली साड़ी पहनते हैं, जिस शोल्डर पे हम रखते हैं सेम उसी शोल्डर पे आपको ये वाला पल्ला भी रखना है, बट बैक साइड से लेके आना है। सारी प्लीट्स को अरेंज करते हुए फ्रंट के फैब्रिक को आपको सेट करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बट एक बार जब साड़ी अरेंज हो जाती है तो साड़ी बिल्कुल टाइट हो जाती है, ठीक है। ऐसे आपको साड़ी के फैब्रिक को सेट करना है, बैक साइड से स्ट्रेच करना है और फिर उसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से इन्हें सिक्योर कर देना है। आप देख सकते हैं बस्ट एरिया के पास जो मेरा फैब्रिक है वो थोड़ा ढीला हो रखा है, तो उसे मैं अभी सेट करूँगी फिर से। तो मैंने सेफ्टी पिन लेके और पल्ले को ब्लाउज के साथ पिन से सिक्योर कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं आपको आगे का स्टेप बताती हूँ। बैक साइड जो साड़ी अच्छे से सेट नहीं हो रखी है, यहाँ पर मैं उसे पहले प्लीट्स बनाते हुए अच्छे से सेट करूँगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो पल्ला है नीचे वाला जो चौड़ा बॉर्डर है उसे मैंने थोड़ा ऊपर ही रखा है, नीज़ के ऊपर ही रखा है, ताकि मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो अपर बॉर्डर है वहाँ पे मैं सारे फैब्रिक को गैदर कर रही हूँ बैक साइड की तरफ और फिर उसे अच्छे से पिन से सिक्योर कर दूंगी। किसी की हेल्प ले लूँगी या फिर मैं खुद से भी उसे सिक्योर कर दूंगी पिन की हेल्प से। अब आप देख सकते हैं कि जो पल्ला है वो फ्रंट की तरफ से अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अनइवन हो रखा है, तो उन्हें सेट करते हुए पिन से सिक्योर कर देंगे। आप चाहें तो इसे अच्छे से सेट करके और जगह जगह पिन लगा सकते हैं। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड आप देख सकते हैं जो पल्ले की लेंथ है वो घुटने से थोड़ा नीचे हो चुकी है, जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया था। साड़ी ड्रिपिंग के साथ, टिल देन बाय।